हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है इधर लोकली युगांडा में, उसके साथ मार्केट ये सब एक्सप्लोर करने वाला हूँ। मेनली मुझे काम है, मुझे वाइल्ड लाइफ के लिए लेंसेज रेंट करने, क्योंकि अभी जो वीकेंड आ रहा है उस टाइम हम मैचेसन नेशनल पार्क जा रहे हैं। ये वाला एरिया काफ़ी सेफ है, बट जो मार्केट का एरिया है वहाँ पर थोड़ा रिस्क रहता है स्नैचिंग का, क्योंकि इधर कोविड के बाद जो पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो यूथ जो है काफ़ी डेस्परेट हो गया है अभी पैसे कमाने के लिए। कुछ और इजी तरीका या फिर कुछ और जॉब्स वगैरह इतना नहीं मिल रहा है, तो ऐसे ऐसा यहाँ पर वो काफ़ी होता रहता है। और आपको अपने सामान के साथ, अपने वॉलेट के साथ, अपने फ़ोन के साथ काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा इधर मार्केट में कभी भी आप आओगे तो। और इसीलिए मैंने आज ना कैमरा लाया, ना मैं आज गोप्रो लाया, और आज मैं 360 के साथ शूट करने लगा। या जस्ट शॉर्ट व्लॉग। हाउ आर यू मैन? आई एम ओके। ओके ओके मैन। ये पहुंच गए हम टाउन। इधर ये पोस्ट ऑफिस है टाउन का। एंड्रू ने बोला कि हम इधर मिलेंगे। मैंने एंड्रू के लिए 3 साल पहले वो रियलमी का फ़ोन लाया था इंडिया से, तो उसे वो इधर शॉप में दिखाया, तो उसको कुछ वो केस या कुछ ग्लास का वो इंक्वायरी करना था। एक और प्लान है जिसके लिए मैं आया हूँ। मुझे ना वाइल्ड लाइफ के लिए एक टेलीफोटो लेंस चाहिए अपनी मैचेसन ट्रिप के लिए, तो हम वो भी ढूंढने वाले हैं। एक शॉप से दूसरी शॉप, दूसरी से तीसरी, इस तरह से अभी चला है कुछ सिस्टम। थे अभी कहाँ कैसे मिलता है, मिलता भी है नहीं। इसी बीच एंड्रू मुझे एक टी शर्ट भी खरीदना चाहता है युगांडा क्रेन्स की। युगांडा क्रेन्स क्या है, इधर की नेशनल फुटबॉल टीम है। हाँ, ओके। व्हाइट कलर? व्हाइट? या। और नो? यू नो व्हाइट? नो व्हाइट या वांगा यो? डी हैव? आई थिंक we have like 3 types. At least maximum. I mean large size. This is medium. Okay. Huh? No, it won't fit. It won't. मैंने ये रेड वाली खरीदी और एंड्रू ने इसे पर्सनलाइज भी कराया मेरा नाम पीछे प्रिंट करा के। यहाँ से होती है मेन कंपाला जो मार्केट शुरू। एंड्रू बता रहा था कि यहाँ कुछ भी खरीदा जा सकता है, वो कुछ भी मिलेगा। दिस इज द स्टेडियम बिल्डिंग। इधर ये एक स्टेडियम का कंस्ट्रक्शन चला है, फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। कुछ फ्रूट्स खरीद रहा है घर के लिए। ये हम निकल पड़े भीड़भाड़ वाले मार्केट से और अपने बोर्डर राइड पे वापस। ये हम पहुंच गए एंड्रू के वन ऑफ द फेवरेट कैफेज। एंड्रू का जो अपार्टमेंट है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम पैदल चल के पहुँच जाएंगे। अभी हम उसके अपार्टमेंट जा रहे हैं, चाबी लेके आएंगे और फिर एंड्रू की गाड़ी लेकर जाएंगे, क्योंकि जो मुझे कैमरा वाली शॉप का एड्रेस मिला है वो थोड़ा आउट ऑफ टाउन है, तो हमें गाड़ी लेकर जाना पड़ेगा खुद ड्राइव करके। Bye. Bye bye. Bye. Morning. Morning. How are Studio? You? Okay. All right. Okay. ये हम पहुंच गए इधर स्टूडियो। तो इधर जो बंदा जिसके स्टूडियो है उसका नाम पैट्रिक है और वो इधर काफ़ी सालों से रह रहा है। उसने काफ़ी बड़ा इधर प्रॉपर्टी ले रखी है। और आपको भी कभी इधर युगांडा में आओ, आपको भी कुछ वीडियोज़ वगैरह रेंट करनी है, तो सबसे बेस्ट शॉप यही है
इसी शॉप में आपको लेंसेज वगैरह, कैमरास, डिफरेंट ब्रांड्स के एक्शन कैमरास, ड्रोन्स, स्टूडियो लाइटिंग इक्विपमेंट सब मिल जाएंगे। और इनके पास सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा सामान अवेलेबल है और इनके प्राइसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया, मैं ये 150-600 उनका रेंट पे लूँगा। मैंने 4 दिन के लिए रेंट पे लिया और उन्होंने कहा कि मैं 4 दिन रेंट पे लेके 7 दिन तक यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हमारा डे एंड होता हुआ, काफ़ी अच्छा दिन रहा। मार्केट से होते हुए कैफ़े विज़िट किया, फिर एंड्रो के घर गए, फिर कैमरा शॉप में और कैमरा लेंस मिल गया एंड ऑफ द डे। तो इतना ही था फ्रेंड्स आज की वीडियो में।